कॉलर आ गई है हमारे साथ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कौन बात कर रही है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मीना मोहसिन बोल रही हूँ लाहौर से। अच्छा मैंने अभी सुना है, बताया ना कि फला फला की जुबान की, तो मैंने अभी टीवी खोला था, ऑन किया था। ओके। असल में ना मुझे स्टमक बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बचपन से ही है, और इस वक्त ना मेरी एज है 55। लेकिन ये है कि मेरा अब ये हाल है कि मैं कोई भी मसालेदार चीज खा लूँ सालन में या दूध के साथ रोटी खाती हूँ। Okay. तो मेरा ना स्टमक इस तरह पेट नीचे, पेट के ऊपर की साइड से जैसे फूला हुआ है कि गुब्बारा फूला हुआ है, और मुझे कोई ब्लोटेड होता नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे प्लीज आप इनसे फरमाएं कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैं बहुत तंग रहती हूं, नमाज पढ़ने में भी बड़ी टेंशन होती है, थोड़ा सा खाना खा लूं मैं तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कब तक रहेगा पेट में, तो मैं बहुत तंग होती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आप कॉल रखें, और हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे क्या ब्लोटेड रहती हैं वो। असल में इनकी जो आंत्रियाँ हैं ना, उनमें नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से ऐसा इम्पैक्ट है। तो बस वैसे तो जो कहाँ चटनी बना रही है ये खाइए इंशाल्लाह, लेकिन एक काम और कर लें, सौंफ, मीठा सोडा और छोटी इलायची, इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद क्वार्टर टी स्पून हर खाने से पहले खा लें, तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन दो बातें होती हैं इसमें, देखिए एक होता है मसला और एक होता है मर्ज़। ये जो आपका प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद, लेकिन जब तक आप किसी मौलिक कंसर्न नहीं करेंगे, जब तक मसला हल नहीं हो पाएगा। ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, और जब ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं तो आपको फिक्र कैसी है।